नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बात करते हैं नीम का थाना के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं और सिरोही ग्राम के पूर्व सरपंच वीरेंद्र यादव, उनसे जिला कि नीम का थाना जिला बनेगा नहीं बनेगा, नीम का थाना में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो प्रधान जी, प्रधान प्रतिनिधि हैं आप, पूर्व सरपंच भी हैं, तो आपके अनुभव राजनीति में भी आपको काफी वर्ष हो चुके हैं नीम का थाना की में, तो नीम का थाना को जिला बनाया जाएगा या नीम का थाना की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, या सच्चाई क्या है? नीम का थाना जिला अवश्य बनेगा, भ्रमित नहीं किया जा रहा है। सारी तथ्यात्मक रिपोर्टें जो यहाँ के नीम का थाना को किस किस को शामिल करना है क्या करना है सारी राज्य सरकार की कमेटी में भेजी जा चुके हैं, और MLA साहब ने बड़ा रिसर्च करके बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी रिपोर्टें बनवा करके माननीय ADM साहब अनिल जी मेला के द्वारा जयपुर में कमेटी के सामने सारी प्रस्तुत की जा चुके हैं। और इस जनता को पूर्ण आशा है और भगवान की दया से हमें भी आशा है कि जिला अभी और इसी सत्र में माने गए लोग जी के द्वारा ही बनाया जाएगा, ये तभी संभव है और होगा। तो नीम का थाना की जनता ये पूछना चाहती है कब तक जिला बनेगा नीम का थाना, अगर बनेगा तो? आपको बताया ना, गहलोत जी का एक साल का कार्यकाल है, इसी कार्यकाल के अंदर बनने की 100% संभावनाएं हैं, 1% हो सकता है कहीं कुछ हो जाए, लेकिन जनता आश्वस्त है। विधायक साहब के कथनानुसार या जो कार्य देख रहे हैं उसके अनुसार जनता पूर्णतः आश्वस्त है कि नीम का थाना जिला बढ़ेगा और बनकर रहेगा। तो राजेंद्र गोटा जो राज्य मंत्री है वो कह रहे हैं कि नीम का थाना नहीं बनेगा, उदयपुर वाटी खेतड़ी विरोध कर रहे हैं, कोटपुतली जिला बनेगा। भाई वो दूर जो झुंझुनू की तरफ पड़ते हैं वो झुंझुनू में रहो, इधर पड़ते हैं उदयपुर वाटी के गाँव, जो नियरेस्ट 3 और 8 किलोमीटर के या 20 किलोमीटर के दायरे में, 30 किलोमीटर के दायरे में नीम का थाना से सीमा सटी हुई है उदयपुर वाटी की, खेतड़ी की सीमा सटी हुई है, श्रीमाधोपुर खंडेला की सटी हुई है, तो ये क्षेत्र तो मिलना चाह रहे हैं। अब एक वो कोई दूर का नजदीक झुंझुनू का आदमी है वो विरोध करेगा, श्रीमाधोपुर का जो रिंग साइड उनको हटा दो ना, हम कम मना कर रहे हैं, जो ये नज़दीक के लोग हैं जो दुखी और पीड़ित हैं, जो 80 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालयों पर जाते हैं, वो तो कम से कम 10-15 किलोमीटर अब नीम का थाना में आ जाए, बहुत बेहतर रहेगा उनके लिए भी। और पड़ोसी पंचायतों के तमाम जनप्रतिनिधिगण लिख लिख के माननीय गहलोत जी को, राज्य सरकार को लिख के कमेटी में दे रहे हैं। अगर जिला नहीं बनेगा तो क्या करोगे? जिला कैसे नहीं बनेगा, आगे क्या प्लानिंग अगर नहीं बनेगा? तो 100% बनेगगा, इतने आधारभूत ढांचा, ADM यहाँ बैठे हैं, एडिशनल SP बैठे हैं, 3-3 एक्शन यहाँ बैठते हैं उपखंड के, श्रीमाधोपुर खंडेला नीम का थाना के, सारी सुविधाएं, तमाम कॉलेज, तमाम जिला हॉस्पिटल, तमाम सारे MLA साहब ने सारी, मतलब जिला बनने के सारे मापदंड पूरे हैं, अब इंतजार है नीम का थाना का जिला बनने का। अरे साहब घोषणा की बात, ये तो शायद घोषणा जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल, आप सुन सकते हो प्रधान प्रतिनिधि जो वीरेंद्र यादव थे पूर्व सरपंच, उनके द्वारा।